अक्सर खाद की किल्लत व कालाबाजारी की खबरें सुनने को मिलती रहती है, जिसमें किसान खाद को लेकर परेशान हो जाते हैं और जिम्मेदार उन्हें सोसाइटी के चक्कर लगवाते रहते हैं। सोमवार को ऐसा ही मामला राजगढ़ ब्लॉक की लिम्बोदा सोसाइटी में देखने को मिला, जहां पिछले 5 दिनों से खाद नहीं मिलने के कारण परेशान किसानों ने हल्का फुल्का जाम लगा दिया। लिम्बोदा सोसाइटी में तुमड़िया खेड़ी, चौसला, पाका खेड़ी, लिम्बोदा, राधो खेड़ी, चौंडापुरा, गुराड़िया, घोड़ा खेड़ा समेत कुल 9 गांवों में लगभग 1200 किसान खातेदार हैं। बोवनी के समय अक्सर खाद को लेकर किसानों और सेक्रेटरी के बीच खींचतान चलती रहती है। सोमवार को भी सभी गांवों के किसान खाद लेने पहुंचे थे, लेकिन खाद नहीं मिलने के कारण परेशान किसानों ने हल्का फुल्का जाम लगा दिया। ये मामला ये है कि हमारी गुरुवार के दिन की फोन लगा लगा कि हम पट्टियां ले लेके आए, और गुरुवार से अभी तक का नंबर लग रहा है पट्टी का। हाँ। जो हमारे बाद आए थे उनका परमिट कट गया और पहले वाले की पट्टियां उसी की वैसी ही रखी। कौन से गांव के आप? चौंडापुरा। तो क्या कह रहे हैं ये साहब? क्या कह रहे हैं ये साहब? तो कुछ नहीं कह रहे, बोले उनसे तो कुछ जवाब ही नहीं देते, कहते कि आएगा नंबर, आएगा नंबर जब ले लेना। और जो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा खाद और बचा ये बढ़ जाएगा, इसके बाद क्या करोगे? सेक्रेटरी साहब से आया, सेक्रेटरी साहब से बोला। हाँ। तो उनने बोला सेक्रेटरी साहब से कहा पे दिखे जो करो, सेक्रेटरी साहब ने बोला कहा पे जमे जो करो, मैं नहीं जानता। खाद की कब का बोला उन्हें? उन्हें ये नहीं बोला कि मिल जाएगा जब, आपकी समस्या आप जानो, मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ नंबर अभी आसपास वाली सोसाइटी में 9-10 दिन से खाद बट रहे हैं, यहाँ अभी 2 दिन से लगे हैं बटने, और सेक्रेटरी साहब थे 2 बजे तक परमिट काट के वापस कुछ नहीं चले। दिक्कत है ना, किसानों को खाद मिलना चाहिए, ये दिक्कत है। किसान परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश थोड़ा थोड़ा आ रही है। हाँ। इसको अगर परेशानी होगी तो कब बोएंगे फिर? तो ये खाद जल्दी मिलना चाहिए। खाद सभी को नहीं दे रहे कि आपको नहीं दे रहे? मतलब सभी को नहीं मिल रहे खाद का स्टॉक रखना चाहिए इन्हें सोसाइटी में। मामले को बढ़ता हुआ देख मृदुभाषी न्यूज ने तुरंत प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर अपर कलेक्टर कमल चंद नागन लिम्बोदा गांव पहुंचे और चौपाल लगाकर किसानों को समझाइश दी। शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो खाद की हमारी जो सोसाइटी है वहां पर खाद मिलने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, उसके कारण किसान आक्रोशित है, इस कारण चक्का जाम कर दिया। यहाँ पर आया तो चक्का जाम तो हट गया था, लेकिन मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि इवेंचुअली ये हुआ क्या। जी, मैंने GMCB साहब को बुलाया था, एडिशनल SP साहब भी हमारे पास यहाँ पर हैं, रिजदार साहब भी हैं, और हमने पिछले से गाँव वासियों से जानकारी चाहिए। उन्होंने बताया साहब कि कुछ ऐसे कारण हैं जिसका हम समाधान निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी खाद देने में परेशानी हो रही थी। मैंने प्रबंधक साहब को, मैंने जो सोसाइटी के मैनेजर है, सुपरवाइजर हैं, जो सहायक है, उनको बता दिया है अभी खाद की कोई कमी नहीं है, जो इनकी लिमिट है उसके हिसाब से तो खाद प्रदाय करना सुनिश्चित करें। यदि खाद की कमी होती है तो 2.5 लाख से खाद प्रदाय करें, ठीक है, प्राप्त करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। अभी GMCB साहब ने तत्काल 2 ट्रक DAP और सुपर फास्फेट बुलाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अभी कोई खाद की कमी नहीं है, आज रात को 12 बजे तक ये सोसाइटी खुली रहेगी और हमारे समस्त ग्रामवासी जो किसान भाई हैं उनको खाद मिलेगा। साथ ही साथ मैंने निर्देशित किया है कि बोने के सीजन को देखते हुए अभी 2-3 जो आगामी शनिवार और रविवार आ रहे हैं उसमें सोसाइटी बंद नहीं रहेंगी, उन दिनों भी हम इनको खाद प्रोवाइड करेंगे, इससे हमारे जो किसान भाई बंधु हैं वो सेटिस्फाइड हैं। और उनने ये भी आश्वस्त किया है साहब कि हमारा कभी भी आशय जाम करने का नहीं था, ठीक है, और हम भविष्य में कभी भी जाम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासन हमारी हर जो संभव है सहयोग प्रदान करेगा। बहरहाल किसानों को सुनने के बाद अपर कलेक्टर कमल चंद नागर ने जिला प्रबंधक DR सरोठिया को सोसाइटी प्रबंधक जयप्रकाश विजयवर्गीय को सस्पेंड करने का प्रस्ताव भेजने की बात कही। साथ ही सोसाइटी कर्मियों को निर्देश दिए, भले ही देर हो जाए लेकिन आज हर हाल में सभी किसानों को खाद दिया जाए। मृदुभाषी प्रदेश के लिए लिम्बोदा से राम बाबू गौड़ की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।